बीपीएससी सेवंथ बेंच टीचर वैकेंसी के लिए आज महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का सेट देखेंगे, जो कि एस के झा सर के कोर्स से लिया गया है और ये हिस्ट्री का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो चलिए देर न करते हुए आज हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी? तो किस तारीख को फांसी हुई थी तो हो जाएगा 23 मार्च 1931 को थी। इस तरह आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो क्या हो जाएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गया था या भाग गए थे? तो ये हो जाएगा दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये याद कीजिए घटना, जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उसी समय सरदार उधम सिंह ने ये प्रण लिया था, प्रतिज्ञा किया था कि हम माइकल ओ डायर को मार देंगे, और इन्होंने लंदन में जाके इसे गोली से उड़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? चलिए रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। गदर पार्टी, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन 6 का आप लोग कमेंट करें, क्या आ जाएगा आंसर, यूएसए में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताएं गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक नेताजी किस देश से जोड़ा गया? किस देश के द्वारा जोड़ा गया या किसने दिया? तो ये जर्मनी के द्वारा जोड़ा, और सब ये कौन दिए थे, हिटलर के द्वारा ये नेताजी शब्द का प्रयोग किया गया था सुभाष चंद्र बोस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, चटगांव शस्त्रागार छपा से कौन संबंधित है? तो चटगांव शस्त्रागार छपा संबंधित कौन है? ये हो जाएगा डी सूरीसेन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया? फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया था? आप लोग सभी जानते होंगे ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए कब किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो आप लोग जानते होंगे ये राजकुमार शुक्ल थे, जो पश्चिमी चंपारण में जो तीन कठिया प्रणाली जो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था उसी के विरुद्ध में इस राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, ये यूएसए में हुए थे, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये देख लीजिए सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये हाल ही में पूछा है 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 8 मई 2022 को। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा था ये भी ध्यान रखना है, और बीपीएससी का है, ये क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो आप लोग जानते होंगे बंगाल विभाजन प्रतिक्रिया के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, सर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था? कि कहाँ फहराया था, ये स्टुटगार्ट में फहराया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 14 है, भगत सिंह ने जब सरकार के विरोध में विधानसभा बम फेंका तब वह कितने वर्ष के थे? देखिए क्वेश्चन इस तरह का भी पूछ लिया जाता है, ये 64वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है, ये 21 वर्ष से थोड़ा अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा, 16 का आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को, और ये कब घटना हुई थी आप लोग कमेंट करके बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन भारत में डाइस के दौरान हुआ था, कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? तो ये बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था, बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कर्नल वाइली की हत्या के लिए किसे मृत्युदंड दिया गया था। मतलब कर्नल वाइली की हत्या किसने की थी थी मदन लाल ढिंगरा ने। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या की थी। कौन की थे लंदन में गोली मारकर हत्या। पीछे भी क्वेश्चन हो चुका है, ये हो गया है। तो लंदन में कौन गोली मारा था, ये ऊधम सिंह ने। आंसर डी हो जाएगा। और सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पहले चुने गए दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था, मतलब किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये हो जाएगा लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें किसने चटगांव 17 अगस्त छापे की योजना बनाई थी। ये पीछे क्वेश्चन, ये सुरेश सेन ने। आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1907 में मैडम कामा ने पहला तिरंगा झंडा कहाँ फहराया था। क्वेश्चन भी स्टुटगार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 1893 में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किसकी कानूनी समस्या का समाधान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसको, ये हो गया था 1893 में गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, काकोरी कांड में पकड़े जाने के बाद अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में बंद किया गया था। 24 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैजाबाद जेल में। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसिद्ध कोमा गाटामारू घटना किस क्रांतिकारी समूह से संबंधित है। तो यह हो जाएगा गदर पार्टी से, और ये जहाज का एक नाम था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित भारतीय क्रांतिकारी में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की कल्पना की थी। सशस्त्र विद्रोह की कल्पना किसने की थी, तो ये थे, कौन थे, बाघा जतिन ने किए थे। क्वेश्चन 27 से, लाला लाजपत राय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, मतलब कौन गलत है, मतलब सही नहीं। तो वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे, ये तो सही है। वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, ये भी सही है। यहाँ गलत पूछ रहा है, उन्हें पंजाब के श्री, ये भी सही है। उनका जन्म 1855 में हुआ था, ये गलत है, उनका जन्म 1855 में नहीं हुआ था। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ था, 1865 में। कब हुआ था, 1865 में, ये याद रखें, 55 में नहीं। ये यही आंसर हमारा हो जाएगा, ये सब सही है, ये गलत है, तो यही आंसर गलत पूछ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने कहा था, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए ताबूत की कीलों की तरह साबित होगा। तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 29 है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कितनी बार बने थे, ये 3 बार बने थे। कितनी बार, 3 बार। कब कब बने थे, 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, 93 में और 1906 में। ये कलकत्ता, लाहौर और फिर कलकत्ता, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में
योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ। नरमपंथी और चरमपंथी का उदय हुआ। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? 32 का ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद तुरंत बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, गदर पार्टी की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? गदर पार्टी की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। और क्वेश्चन नंबर 34 एक बार फिर से देख लेते हैं, 33 नंबर। तो ये राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने हैं? ये 4 बार, ये भी याद रखिएगा, 4 बार अध्यक्ष बने हैं। दादा भाई नौरे जी कितने बार? 3 बार बने हैं। 34 हो गया है, ये इसका हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। 35 नंबर देखेंगे, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी? ठीक है, उन समिति किसकी अध्यक्षता में? ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की गई थी। क्वेश्चन 36 है, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज पुस्तक, तो ये महात्मा गांधी। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय क्रांति के जननी के रूप में किसे माना जाता है? यह हो जाएगा कि सरोजिनी नायडू, नहीं, मैडम भिकामाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकामाजी रुस्तम कामा, एनी बेसेंट, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन 38 है, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी के लोकप्रिय नाम क्रमशः हैं? अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, दादा भाई नौरोजी को तुम क्या कहते हैं? भारत के महान वृद्ध पुरुष। तो इसी तरह यहाँ हो जाएगा कौन? प्रोफेसर टू ऑर्डर और भारत के महान वृद्ध पुरुष, ये आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका था? विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था। क्वेश्चन 40 है, पर्चा अभी या कभी नहीं किसने लिखा था? ये लिखे थे रहमत अली ने, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सचित चंद्रनाथ सन्याल ने पटना में एक अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की थी? ये 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1913 में अनुशीलन समिति। क्वेश्चन 42 है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC निमित्त सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करेगा, यह परियोजना कहाँ? अच्छा, ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये कहाँ हो जाएगा? नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 43 है, हाल ही में किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? कौन टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा मुंबई इंडियंस। किसे हरा कर जीता है? दिल्ली को हरा कर जीता है दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन 44 है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हो जाएगा 44 का निकहत जरीन। पहली कौन है आप लोग कमेंट करके बताएं। हाल ही में किसने 45 नंबर, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप का अनावरण किया है? तो क्या हो जाएगा? ये नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, 45 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
46 है, नागर महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो किस देश में सबसे अधिक महिला पायलट? भारत में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन वर्ल्ड टीवी समिट के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 1780 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? कहां किया ये? वाराणसी में। और साथ में ये भी रखिए, चूंकि ये बिहार का एग्जाम है, बिहार के 5 जिलों को भी अवार्ड मिला है, जैसे गोल्ड टीवी अवार्ड किसको किसको मिला है? मुजफ्फरपुर और सहरसा को, सिवान जिला को सिल्वर अवार्ड मिला है, जबकि सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज अवार्ड मिला है टीवी उन्मूलन, मतलब टीवी खत्म करने के लिए। ठीक है, तो गोल्ड किसको मिला है? मुजफ्फरपुर और सहरसा को, सिवान को सिल्वर, सारण और पूर्णिया को ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में किसने 2023 एबल पुरस्कार जीता? एबल पुरस्कार, अच्छा एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो मैथमेटिक्स का पुरस्कार है, तो ये किसे मिला है? ये लुईस केफरली को, इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो एबल का लुईस केफरली को। क्वेश्चन 49 है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में डिल्मा रोसेफ को चुना गया है? ठीक है, क्वेश्चन भी हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट के प्रमुखों ने डिल्मा रोसेफ चुना गया, वह किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही है? किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही है? तो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रही है। क्वेश्चन 50 देखेंगे और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो ये भारत जीते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।